एक तरफ बीजेपी जैश ए मोहम्मद सरगना के ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने पर गदगद है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर भी पुलवामा हमले की साजिश रचने का आरोप लग रहा है। और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने लगाया है। इसके साथ ही वाघेला ने बीजेपी को घेरने के लिए कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। पुलवामा हमले में 40 पुलिस सपूतों ने शहादत दी थी। इस हमले को हुए 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, मगर राजनीति अब भी जारी है। अब इस हमले को लेकर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने नया तार जोड़ दिया है, जिससे मोदी सरकार एक बार फिर निशाने पर आ गई है। वाघेला का कहना है कि पुलवामा हमला भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश थी, जैसे गोधरा मामला। और आखिर में जो पुलवामा में हुआ इंटेलिजेंस फेलोर हुआ, सरकार की जिम्मेदारी थी, उसमें कॉन्स्पिरेसी हमको लगती है। और कॉन्स्पिरेसी जो है वो यहाँ गोधरा वाला मामला था, उसके बाद जो अक्षरधाम का हुआ, उसके बाद मियां मुशर्रफ गुजरात के इलेक्शन में, यानी कि इनके पास सिवाय हिंदू मुसलमान सिवाय पाकिस्तान हिंदुस्तान कोई मुद्दा है ही नहीं। वाघेला ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि आतंकी हमले में RTX ले जाने के लिए जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर गुजरात का था। वाघेला यही नहीं रुके, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि बालाकोट में कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। और मैं समझता हूँ कि पुलवामा के बाद जो हुआ बालाकोट वाला मामला, एक कॉन्स्पिरेसी करने के बाद उसको लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए बालाकोट इनको करवाना ही था। मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, बालाकोट में कोई नहीं मरा। पुलवामा और बालाकोट को लेकर ऐसे बयान विपक्ष की तरफ से पहले भी आते रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष इन सवालों को अपनी चुनावी सभाओं में भुनाता आया है। मगर पुलवामा को गोधरा मामले से जोड़कर अब वाघेला ने नई बहस छेड़ दी है। गौरतलब है कि 2002 में साबरमती ट्रेन के कोच के अंदर भीषण आग लगने से अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों की जान चली गई थी। इस मामले को लेकर आज भी राजनीति जारी है। दिव्य लाइव की रिपोर्ट।